दोस्तों, हीरो माइस्ट्रो 125 लुक के मामले में काफी बढ़िया दिखता है, काफी एरोडायनामिक इसका डिजाइन है। ये इसके DRL से आप बोल सकते हो, ये लाइट हमेशा जलते रहते हैं और इसमें ऑलवेज लाइट ऑन का फैसिलिटी है। इसमें कुछ डेडिकेटेड DRLs तो है नहीं, इसलिए आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो इसका जो डीपर का लाइट है वो हमेशा जलता रहता है। ये इसके मिरर्स है जो कि ब्लैक्ड आउट है और ये पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आता है, काफी अच्छा दिखते हैं। पहले बॉडी कलर आते थे, अभी पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आते हैं और काफी अच्छा दिखता है। स्कूटर स्पेशियस है, इसका फुटबोर्ड भी काफी स्पेशियस है और यहाँ पे आपको चोक मिल जाता है, मैनुअल चोक है और ये यहाँ से आप डिक्की और फ्यूल कैप दोनों ही उठा सकते हो। और फ्यूल कैप इसका पहले से भी एक्सटर्नल था और अभी भी है और काफी अच्छा है। ये इसका डिक्की है और यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट मिल जाता है जो कि मोबाइल चार्जिंग वगैरह आप इसके अंदर रख के कर सकते हो, ये काफी अच्छी सुविधा है इसमें। और यहाँ पे एक बूट लाइट भी मिल जाता है इसमें, तो काफी प्रैक्टिकल डिक्की है और काफी बड़ा भी है। यहाँ पे आप कुछ छोटे सामान रख सकते हो, यहाँ पे कुछ पेन वगैरह रख सकते हो, तो कुल मिला के काफी अच्छा है इसका डिक्की स्पेस और काफी प्रैक्टिकल है। तो डिजिटल डिस्प्ले और हाफ डिजिटल हाफ एनालॉग डिस्प्ले आता है और ये जो डिजिटल डिस्प्ले है इसका पूरा पूरी आपको जो ग्लैमर और पैशन में जो डिजिटल डिस्प्ले दिया जाता है उसी से उठाया हुआ है और सेम डिस्प्ले है। इसमें इंफॉर्मेशन काफी बेसिक है, आप देख सकते हैं इसमें क्लॉक भी नहीं है, इसमें क्लॉक नहीं है और इसमें फ्यूल एवरेज वगैरह ये सब भी नहीं देख सकते हैं। बस इसमें एक ट्रिप मीटर है, दो ट्रिप मीटर है, इसमें एक ओडोमीटर है, आपका फ्यूल मीटर है और फ्यूल मीटर का जो एक्यूरेसी काफी अच्छा है और इसमें कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता, जबकि ऊपर एक सेल्फ इसका खाली है, यहाँ पे टाइम दिया जा सकता है लेकिन फिलहाल हीरो इसमें नहीं देता है। और ये इसका एनालॉग मीटर है जो कि रात को ऑरेंज लाइट जलता है, काफी अच्छा दिखता है। ये आपका साइड स्टैंड इंडिकेटर, ये हाई बीम लो बीम, ये आपके दोनों तरफ इंडिकेटर्स हैं। तो दोस्तों, ये इसका लिड जो कि यहाँ पे आप इसको ओपन कर सकते हो सामने से चाबी घुमा के और ये ऑटोमेटिक यहाँ से खुल जाता है। यहाँ पे आप एक्सटर्नल इसको बस एक बार ऐसे घुमा दो, ये खुल जाता है। लगाने का भी बहुत ईजी है, एक बार घुसा के ऐसे घुमा दो, ये लॉक हो जाता है। फिर इसको आप डाल दीजिए, ये हो गया लॉक। तो काफ़ी कॉन्वीनियंट है इसका एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग और ये जैसे है दोस्तों, तो 125 सीसी का है ये। दोस्तों, ये है इसके स्टाइलिश 12 इंच के अलॉय व्हील्स, पीछे के पहिए में 10 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं और यहाँ रिम में भी आपको एक अलॉय जैसा डिजाइन मिलता है जो कि एक रिम स्टिकर जैसा दिखता है और काफी अच्छा दिखता है। इसमें i3s टेक्नोलॉजी है जो कि गाड़ी अगर आइडियल में 5 सेकंड से ज्यादा स्टार्ट रहा तो ये अपने आप बंद कर देता है स्टार्ट को। ये इसका सीट है जो कि काफी वाइड और कंफर्टेबल है और ये टेक्सचर इसका बाय डिफॉल्ट सीट का है, मैंने कोई सीट कवर इस पर अभी चढ़ाया नहीं। तो दोस्तों, इसमें 9 BHP का पावर जनरेट करता है इंजन एट 7000 RPM और 10.4 Nm टॉर्क जनरेट करता है एट 5500 RPM। इसमें आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा जो कि कॉम्बी ब्रेक सिस्टम जो कि होंडा प्रोवाइड करता है, सेम चीज है, जिससे कि आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो आगे पीछे दोनों के ब्रेक एक साथ लगते हैं और काफी इफेक्टिव ब्रेकिंग इसका है। इसमें आपको 3 ब्रेकिंग मॉडल मिल जाते हैं, इसका FI वर्जन भी आता है और एक FI वर्जन विथ सामने में डिस्क ब्रेक मिल जाएगा आपको। ये बेस मॉडल है, इसमें ना FI है और ना ही डिस्क ब्रेक है, इसमें कॉम्बी ब्रेक है जो कि हीरो IBS बोलता है उसे। तो ये काफी अच्छा यूनिसेक्स स्कूटर है और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। इसमें 90/100 के MRF जैपर ट्यूबलेस टायर्स आते हैं जो कि काफी अच्छा ग्रिप प्रोवाइड कर देते हैं इन्हें। इसका कंप्लीट लुक देख सकते हो, पीछे से भी काफी अट्रैक्टिव लगता है ये स्कूटर और इसके पीछे के लाइट्स फुल्ली LED सेटअप के आते हैं और काफी अच्छे दिखते हैं। ये आप देख सकते हैं शाम के टाइम इसका लाइट का इल्यूमिनेशन, ये ब्रेक अप्लाई करने के बाद और जब आप लाइट्स ऑन करते हो तो ऐसा दिखता है, नॉर्मली ऐसा दिखता है। तो काफी अट्रैक्टिव है, काफी यूनिक है इसका टेल लाइट। ये इसके इंडिकेटर्स आप देख सकते हो जो कि काफी क्लियर और ब्राइट है। इसमें आते हैं टेलीस्कोपिक सॉकेट जो कि खराब रास्तों को डील करने के लिए काफी अच्छे और एफिशिएंट माने जाते हैं। ये इसका नाइट इल्यूमिनेशन आप देख सकते हैं डिजिटल मीटर में, ये इसका
हेडलाइट और डिपर का मैं आपको इल्यूमिनेशन दिखा रहा हूँ, ये डिपर है, और थोड़ा रेस करोगे तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जो कि सारे हीरो गाड़ियों में प्रोवाइडेड है। इसमें कंप्लीट डीसी सेटअप तो आता नहीं है, जैसे बजाज देता है कि लाइट हमेशा आपका कांस्टेंट रहेगा। थोड़ा रेस करोगे एक्सीलेटर तो लाइट इसका और अच्छा हो जाता है। ये इसका हेडलाइट में मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो काफी अच्छा थ्रो है, काफी बड़ा लाइट है इसका, और इससे काफी अच्छा, जितने स्कूटर्स इंडिया में अभी है और जो बल्ब वाले स्कूटर है जिसमें एलईडी सेटअप नहीं है, इसका लाइट सबसे बेस्ट है मैं कहूंगा। काफी ब्राइट और एफिशिएंट लाइटिंग है इसका। ये आप हेडलाइट देख सकते हो, अभी मैं आपको डिपर दिखाता हूँ, ये डिपर है, ये भी काफी अच्छा है, और हाईवे में और सिटी में ये ड्राइविंग के टाइम आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। इसमें कुछ इश्यूज है जो कि अभी फेस कर रहे हैं हम लोग। इसमें हैंडल में, इस यूनिट में काफी वाइब्रेशंस है, जो कि कम स्पीड में जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो इन पैनल में से कहीं से एक आवाज आता है। इसको 2 बार हीरो के सर्विस सेंटर में भी दिखाया जा चुका है, 2 सर्विसिंग हो चुके हैं इस गाड़ी के, लेकिन हीरो वाले इसे फिक्स करने के लिए कम्प्लीटली नाकाम है, उन्हें कोई आइडिया ही नहीं है। कभी बोलते हैं मीटर में से आवाज आ रहा है, कभी बोलते हैं साइड पैनल में से आवाज आ रहा है। तो फिलहाल इसके हैंडल में वाइब्रेशन और साउंड के इश्यू है। इसको छोड़ दिया जाए तो हम रस्टिंग भी हम देख सकते हैं कई जगह पे, जैसे कि ये एक्सिल का जो बोल्ट है उसमें हम थोड़ा रस्टिंग देख सकते हैं, एक दो और बोल्ट्स में भी रस्टिंग देख सकते हैं, जिस जहाँ की आयरन यूज हुआ है स्टील के बजाय। तो ओवरऑल ये काफी स्मूथ और गुड लुकिंग स्कूटर है, और इसे आप जरूर कंसिडर कर सकते हो अगर आप एक अच्छे दाम में एक काफी अच्छे बिल्ड क्वालिटी के साथ एक गुड लुकिंग और स्मूथ स्कूटर चाहते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे चैनल से, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे आ रहे हैं और भी कई सारे प्रोडक्ट रिव्यूज, और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।